पूरे राजस्थान का था, जिसमें फिट एंड ग्लैम मिसेज राजस्थान और मिस राजस्थान दोनों की थी कैटेगरी। उसमें ऑल ओवर राजस्थान से 30 कैंडिडेट चुने गए थे, जिसमें फिनाले में ओनली 16 ही पहुंचे, उनमें से मैं भी थी। और मैं राजस्थान में बाड़मेर को प्रेजेंट कर रही थी, और वैसे जोधपुर से भी हूँ तो दोनों को ही प्रेजेंट कर रही थी एक्चुअली। फिर 16 कैंडिडेट के अंदर हमारी ग्रूमिंग क्लासेज हुई, उसमें भी बहुत सारे टैलेंट राउंड हुए। उन टैलेंट राउंड में निकलते निकलते हम लोग फिनाले तक पहुंचे, और उन सबका भी स्कोर होता है। और फिनाले में हमारे 3 राउंड हुए थे, उन 3 राउंड में भी जो टॉप होगा वो ही विनर रहेगा। तो उन टैलेंट राउंड में निकल के और उसके बाद फिनाले में फर्स्ट राजस्थान का फर्स्ट ये शो था जिसमें कोरोना थीम पे फर्स्ट राउंड हुआ, ताकि लोगों को अवेयर हो सके कोरोना को लेके। तो वो भी एक बहुत शानदार हुआ था लोगों को दिखाने के लिए कि कोरोना कितना खराब है लाइफ के लिए, तो वो हुआ। उसके बाद में एक शॉर्ट ड्रेस पे हुआ था और एक लॉन्ग राउंड में जो प्रेजेंट में हमेशा होता है वही। तो उन सब राउंड को पार करके मेरा मिसेज कैटेगरी में बहुत तेज थी। उस टाइम तो पता नहीं था, उस टाइम वहाँ जब भी हो रहा था हम एकदम सन्न हो जाते कि क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें करना है जो हमें सिखाया है वो हमें करना है। तो वो कर रहे थे, अपना टैलेंट हम दिखा रहे थे, बाकी जजेस के था जो भी आए थे वो देख रहे थे, और जो उसमें बेस्ट था वो सामने था। एक्चुअली में इसमें आने का एक सबसे बड़ा कारण ही यही था हमारा कि बाड़मेर से ये चीज़ें अभी नहीं है, ठीक है जॉब के लिए बाड़मेर थोड़ा सा है रहता आगे है, लेकिन जैसे ये शो या फैशन की दुनिया में है तो लोग इतना एग्री नहीं करते, घर वाले एग्री नहीं करते। थोड़ा मुझे भी डर था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने जब रजिस्ट्रेशन किया तो घर में कम ही बताया, मैं करूँ नहीं करूँ, मैं खुद भी असमंजन में थी। लेकिन जब धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा घर का, और हस्बैंड ने भी कहा कि चलो एक बार ट्राई करो तुम्हारी ये है, और मेरा सबसे बड़ा ये था कि मेरा ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को करने में, तो मेरा था कि मैं करूँ कुछ तो करूँ। घर वालों का रिस्पॉन्स थोड़ा शॉकिंग था कि सच में ऐसा हुआ है, पर हाँ उनको लगा कि हाँ, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ उसको पूरा लगन से करूँ, उनको मालूम है कर लिया तो जाएगी तो पक्का कुछ करेगी।